नमस्कार, मैं मुकेश राणा, डीबीएस टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तो आप देख रहे हैं दबंग बिहार स्टार टीवी, सही खबर सबके लिए। आज मनोज जी के लिए जो जन सैलाब उभरा हुआ है और इतना बड़ा जन समर्थन मिल रहा है, जानते हैं इसके पीछे का राज और क्या है आखिर वजह कि पूरे पंचायत की जनता और ग्रामीण पूरे तरीके से यहाँ सोनबरसा तक पहुँच गए हैं। सर, आखिर क्या वजह है कि इतना बड़ा जन समर्थन आपके लिए तैयार है? जनता का प्यार है सर, सबसे पहली बात जनता का प्यार है मेरे साथ। इसके लिए सर, पंचायत का मुखिया बनकर आप क्या करना चाहते हैं? पंचायत का विकास करेंगे सर। क्या सपना आपका बाकी है जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि अगर हम मुखिया बने तो हम इस सपना को इस पंचायत के लिए पूरा कर देंगे? मेरा सपना है सबसे पहली बात कि गांव में नाला नहीं है इसका करना। दूसरा सपना है हर घर में मकान देना, इंदिरा निवास पास करना, रास्ते बनाना, ये सब मेरा सपना है। तो सर, क्या जनता आपको अगर मुखिया बना देती है तो जो आप कह रहे हैं इस पर आप कायम रहेंगे कि फिर दूसरे मुखिया की तरह बदल जाएंगे? इस पर कायम रहेंगे सर, कायम रहेंगे, मुखिया की तरह नहीं रहेंगे। तो क्या कहना है आपका, अपना विचार रखिए कि मुखिया जी ने बहुत सारी बातें कही है। हम लोगों ने ये समाज शब्द सुना है, हमारे मनोज भाई जो हनुमान नगर से मुखिया बहुत क्रिएटिव हम लोग के लायक है और समाज अच्छे से बहुत इनका बहुत धन्यवाद है, बहुत प्यारी बहुत। तो क्या कहना चाहेंगे आप सर कि मनोज जी ने कहा है कि तमाम लोगों का जो झोपड़ी वाला घर है उसको पक्का में बदलना चाहते हैं, यानी इंदिरा आवास दिलवाएंगे, क्या लगता है कि मनोज जी कर पाएंगे? तो पूरा जनता का सहयोग मिलेगा और जीतेंगे तो पूरा करके दिखाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो भी भ्रष्टाचार है जो निम्न स्तर पर उसको इसमें मतलब ख़त्म किया जाए, और जो भी 5,000-10,000 रुपया लेके कि भाई अगर जिनको मकान है उसको 20,000 रुपया दे के भाई उसको दे दिया जाए, गरीब को ना दिया जाए। चलो भाई, जो गरीब जो तबके हैं जिनको भाई जिनको मिलना चाहिए उसको भाई घूस लेके नहीं, भाई हम पूरा जुटकर जो वाजिब बनता है उसको मिलना चाहिए, उनको सही सपोर्ट करें सब लोग और पूरे जनता को इधर से पूरा सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट मिलेगा जी। हम लोग का यही कहना है कि हमने 25 साल में बहुत सारे मुखिया देखा जी, सबको चांस दिए, सब लोग मैच दे रहे हैं और लोग जीते और कह रहे हैं वादा के लिए करके दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जी आप युवा हैं, क्या नाम है आपका? हिमांशु। सच्चे और सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार को है ना मुखिया बनाना है और गांव का विकास करना है। कौन है सच्चे और सर्वश्रेष्ठ? मनोज सा। मनोज जी। जी जी। तो आपको ऐसा लग रहा है, आपको ये उम्मीद लग रही है कि मुखिया बनने के बाद ये कर पाएंगे? जी जी जी, पूरा कर पाएंगे, पूरा 110% गारंटी है कि पूरा कर पाएंगे। और जो भी हुआ मुखिया सब पैसा पर हुआ, और वो सब नहीं, वैसा कुछ नहीं चलेगा। जो भी चलेगा इस बार नया मुखिया आएगा, नया सोच बदलेगा पूरा समाज। तो आप देख सकते हैं सोनबरसा के अंदर मनोज जी के लिए पूरी जनता आई हुई है और तमाम जनता का, ग्रामीण का ये कहना है कि मनोज जी नए सोच के साथ आएंगे और पंचायत के लिए नया विकास करके दिखाएंगे। मिलते हैं नए और ताजा समाचार के साथ। कैमरामैन अब्दुल कादिर के साथ मैं मेंबर गाती सोनबरसा।